student. My name is Hitesha Mehta from Unity Public School in Cambridge. Today I teach standard 5th writing essay. आप लोगों को essay कैसे लिखना है वो मैं बता रही हूँ. This is a worksheet, okay? Use of solar energy. ये आप लोगों को ऐसे लिखना है किसके ऊपर है? Solar energy के ऊपर है. Let's start. Question 1. Write an essay of about 20 sentences on use of solar energy. आपको 20 sentence लिखना है. किसके ऊपर लिखना है? Energy के ऊपर. Okay, let's start. In general, solar energy refers to the energy received from the sun. Sun हमें energy कहाँ से मिलती है? Sun में से ही मिलती है. By connecting the ray of the sun at one point, the energy is produced. One then this process is called solar energy. के जो sun है उसकी जो ray होती है जिसे light कहते हैं ना हम, उसी उसमें से हम क्या कहते हैं solar energy को store कहते हैं. उसके लाइट से हमें वो मिलती है, प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी जो प्रोसेस होती है जो होती है उसे क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं. उसमें से हमें क्या मिलता है? सोलर एनर्जी मिलती है. सोलर एनर्जी मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग द सन रे इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम उसे हमें किस में ट्रांसफ़र करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. जो आप लोगों के घर पर जो लाइट्स आती है ना, हम लोगों के घर में या ऑल ओवर जहाँ पर लाइट्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो कहाँ से हमें मिलती है? सोलर एनर्जी से मिलती है. और सोलर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सन के रे में से मिलती है. इंडिया इज अ ट्रॉपिकल्स कंट्री. ड्यू टू बीइंग अ ट्रॉपिकल्स कंट्रीज वी गेट सोलर रेडिएशंस थ्रू आउट द ईयर. हमें कितनी सारी रेस चाहिए और हमें उसका रेडिएशन हम सोलर से कलेक्ट करते हैं. सो वी कैन इजीली यूज फॉर सोलर एनर्जी. इफ सोलर एनर्जी इज यूज देन दिस विल बी रिड्यूस इन द यूज ऑफ वुड एंड ट्रम्बल एंड डोमेस्टिक वर्क. देन देयर विल बी नो एयर पोल्यूशन. लकड़े में से और अलग अलग चीज़ों में से भी हम उससे प्राप्त करते हैं. इंडिया हैज़ जज एरिया ऑफ द वर्क टू जनरेशन सोलर पावर. एंड इंडिया ग्राफिकल्स लोकेशंस इज एट अ लोकल वेयर सनलाइट रीच एंड सरफेस अमाउंट. द अमाउंट ऑफ द सनलाइट दैट इज रोचिंग द अर्थ and surf every years is very high. अभी मैं यहाँ क्या बताया गया है कि हमें इंडिया कैसा है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा देश है, और वो कैसा है कि इंडिया इज अ वर्किंग कंट्री. ओके, अगर हमें यहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे वर्किंग होता है, और जनरली क्या होता है, हम लोगों को पावर ऑफ एनर्जी भी चाहिए. जैसे कि हम बहुत सारे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कारखाने हैं, फैक्ट्रीज होती है ना, हमें यहाँ पर बहुत सारे हमारे यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, तो फैक्ट्रीज के अंदर लाइट्स की ज़रूरत होती है. खेती करते हैं तो खेती के अंदर भी होती है, तो उस हिसाब से सब अलग अलग जगह पे लाइट्स की ज़रूरत होती है. इसीलिए हमारे यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ ज़्यादा होता है. ओके बच्चों, ये ऐसे ही यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा. और उसके बाद आगे आपको दिया है मैंने खुद ही लिखने के लिए कि राइट और ऐसे इन योर वर्ड इंडिपेंडेंस डे. आप लोगों को आपकी लैंग्वेज में लिखना है किस टॉपिक के ऊपर? इंडिपेंडेंस डे के ऊपर. और ये आपको आपकी बुक्स में लिखना है. ओके बच्चों, थैंक यू.